बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया? कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वे स्वयं विभूत थी वहां देख करती। अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी। और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा वहां पूरा। हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है। और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उस पे फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रज भूमि पर। अब ब्रज भूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के रूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए।